हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ डॉक्टर संदीप भारद्वाज, आपका फिजियोथेरापिस्ट। आज मैं आपको स्लिप डिस्क के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत लोग कन्फ्यूज हैं कि सर हमें सर्जरी कब करानी चाहिए, या फिजियोथेरेपी लेनी चाहिए, या फिर मेडिसिन से काम चलाना है, या फिर बेड रेस्ट करना है। दिस इज़ अ वेरी बिग कन्फ्यूज़न, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन ही आता है, अगर हमने सर्जरी में लेट किया तो इट विल बी डेंजरस, और अगर हमने सर्जरी पहले करा ली जिसमें उसकी नीड ही नहीं है, तो ये भी आपको 2 से 3 महीने के लिए बेड रेस्ट पे ले आएगा और आपके मसल्स को डीकंडीशनिंग कर देगा, आपके बोन्स वीक होने हो सकते हैं उसमें, और आपको वापस रिकवर करने में या रिहेबिलिटेट करने में हो सकता है 2-3 महीने और लग जाए। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही आज का वीडियो है। वीडियो को एंड तक देखना। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको फिट रखना इट्स माय रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जो टिप्स बता रहा हूँ उसको फॉलो करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये वीडियो सोशल कोज के लिए बनाया गया है, तो जो भी लोग आपके कॉन्टेक्ट में हैं उन सबको ये वीडियो जरूर भेजे, क्योंकि हो सकता है वो सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हों, और अगर एक डिसीजन आपने गलत समय पर लिया तो जो डिस्क आपकी इजीली ठीक हो सकती थी फिजियोथेरेपी के थ्रू या एडवांस फिजियो टेक्निक के थ्रू, वो आपको इतने कॉम्प्लिकेशंस देके जा सकती हैं कि सर्जरी के बाद भी ठीक ना हो। आज मैं आपको 5 ऐसे साइन बताने जा रहा हूं, अगर वो आप में से उनमें से 3 से 4 साइन आप लोगों को है, या 1 से 2 साइन एक्यूट फेज में है, तेज मोड में है, तो डेफिनेटली आपके न्यूरोसर्जन या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कांटेक्ट में आना है, और जल्दी इमीजिएट आपको सर्जरी के लिए जाना है, माइंड सेट करना है। ये तो हैंड टू हैंड डॉक्टर से मिले, चाहे आप किसी फिजियोथेरेपी के अंडर में ट्रीटमेंट ले रहे हो उस समय, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप एब्रोड हो, चाहे कहीं पे भी, आपको इमीजिएट डिसीजन लेना। फर्स्ट इंपॉर्टेंट साइन, अगर आपको ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं है, जैसे कि आपका यूरिन जो आप पास करते हैं वो आपको पता ही नहीं लग रहा कब आपका यूरिनेशन हो गया है, कब आपने वॉइडिंग कर दी है, इट मींस कब आपने टॉयलेट कर दिया है, और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, या तो या फिर आपको पता नहीं लगा हो, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। आपको पता ही नहीं लग रहा है इट मींस इट है क्रिटिकल कंडीशन, आपको परेशान नहीं होना है, ये इजीली ठीक हो जाता है, सर्जरी जो ही होती है उसके बाद आपको आराम मिल जाता है, तो अपने सर्जन से कांटेक्ट में रहिए। सेकंड, आपको पता ही नहीं है, बाद में पता लग रहा है कि पॉटी आपकी आ गई है, तो बोवल और ब्लैडर कंट्रोल अगर आपका नहीं है, आप वो लूज कर चुके हैं, तो डेफिनेटली आपको सर्जरी पर जाना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप, पेरिनियम एरिया में, यानी कि बिलो नेवल, आपके नाभि से थाई तक, मिड ऑफ द थाई तक पूरा एरिया सुन्न है, अच्छे से नोट करना, झंझनाहट, लाइट नमनेस जो साइटिका में होता है वो अलग है, उसमें सर्जरी में जाने की नीड नहीं है, लेकिन ये कंप्लीटली आपका नम है, सुन्न, आपको पता ही नहीं है ये एरिया भी है मेरे पास, आप टच कर रहे हो तो बहुत कम आपको फील हो रहा है, फील नहीं हो रहा है, इस तरीके से सुन, जैसे इनर थाई आपके एनस में, या फिर आपके नेवल के नीचे, या फिर इस साइड में, अगर आपको ऐसा लग रहा है कंप्लीट सुन्न है, तो इट इज ए सेकेंड इंडिकेशन कि आपको सर्जरी पे जाना है, ना आपको फिर बेड रेस्ट करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट, अगर आपके पैर के मसल्स, फुट की मसल्स, फुट समझ रहे हैं, हील से लेके टो तक, अगर आपको पूरे में एक साथ नमनेस है, सडन नमनेस है, आप जज नहीं कर पा रहे हैं कि मैं पैर रख पा रही हूं, तो मुझे पता नहीं लग रहा कि मैं पैर अच्छे से रख पा रही हूं, या फिर आपको यह पता नहीं लग रहा आपने क्या पहना हुआ है, स्लीपर पहने हैं, शूज पहने हैं, या फिर स्लीपर पहनी है तो आप पहने हुए हैं तो भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं बिना देखे, और जब आप चल रहे हैं तो स्लीपर भी निकल ले जा रहा है बार बार, इसका मतलब आपको ये साइन है, ये थर्ड इमरजेंसी साइन है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि अब मुझे स्लिप डिस्क के लिए सर्जरी के लिए जाना है, या फिर सर्जन से कॉन्टेक्ट में रहना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट, अगर आपके मसल्स वीक होते जा रहे हैं, किस तरीके, कौन से मसल्स, एक एक टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये हालांकि सब टेस्ट आपको घर पे नहीं करना है, डॉक्टर से मिलना है, लेकिन ये इमरजेंसी टेस्ट है, इसलिए आपको क्या करना है, जो आपका ग्रेटर टो है, पैर का अंगूठा है, वो अगर आप ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, अगर कई लोग उठा रहे हैं लेकिन हल्का जोर लगाने पे बिल्कुल भी नहीं उठा पा रहे हैं, इट मीन्स ये चांस हो सकते हैं। इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट बात और नो ऐड करूंगा, अगर आपको पैर के मसल्स, जो घुटने के नीचे वाले मसल्स भी वीक है, आपको फुट ड्रॉप भी हो रहा है, और ये धीरे धीरे हो रहा है, अगर फुट ड्रॉप धीरे धीरे हुआ है या फिर सडन हो गया है,
तो भी आपको सर्जरी के लिए जाना पड़ सकता है। नाउ अब आपको सर्जरी किन कंडीशन में नहीं कराना है वो भी नोट कीजिए। आपको अगर झंझनाहट है पूरे पैर में, लाइन में खिंचाव है, खिंचाव जैसा दर्द, कोई नस खिंच रही हो आपकी, या फिर आपको नमनेस है, स्लाइट नमनेस, हैवीनेस फील हो रहा है पूरे पैर में, थाई में नमनेस फील हो सकती है, फुट में भी नमनेस फील हो रही है, लेकिन जो मैंने अभी प्रीवियस में जो साइन बताए उससे ये अलग महसूस होंगे, वो सीवियर साइन है और वो सडन ऑनसेट होते हैं, एक बार में आ जाते हैं, बहुत कम चांस है कि वो ग्रेजुअल होते हैं धीरे धीरे। तो अगर धीरे धीरे आए तो भी आपको नोटिस पे रहना है। अगर ये इमरजेंसी है तो सर्जरी कराकर फिर उसके बाद जब आपके सर्जन आपको बोलेंगे कि अब आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और फिजियो से मिलें, उस समय आप दोबारा से फिजियोथेरेपी स्टार्ट करनी है, क्योंकि बिना फिजियोथेरेपी के आपको ये वीकनेस या ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो जो नंबर शो हो रहे हैं उस पर आप व्हाट्सअप करना है, दिस इज ओनली व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप कीजिए। आपके पास उतना टाइम नहीं, आपको लग रहा है कि अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो हैंड टू हैंड आप एक हैंड टू हैंड आप अपॉइंटमेंट लीजिए, वीडियो कॉल का अपॉइंटमेंट लीजिए, जिसमें हम आपको वन टू वन देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, आफ्टर डेट आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या करना है। तो डोंट बी कन्फ्यूज, और जो भी डिसीजन लेना है वो फास्ट लेना है। ऐसे ही फ्रेंड्स मैं अब आपके लिए वो वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि जब आप 60% तक ठीक हो गए या आपका पेन रिकवर हो गया, हम लोगों से कांटेक्ट में आने के बाद हुआ हो, चाहे आपने मेडिसिन या बेड रेस्ट के बाद हुआ हो, कई बार आपने नोट किया होगा कि जो ही बेड रेस्ट से आप या मेडिसिन बंद करते हैं या जो ही आप बेड रेस्ट से उठते हैं तो आपको सडन से पेन वापस शुरू होता है। तो ऐसा क्या करें जिसके बाद आपको पेन सडन ना हो और आप अपने ऑफिस जा सकें, आप वापस से अपनी एक्टिविटीज कर सकें, इसके लिए बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए। ऐसे ही मेरा एक और वीडियो आने वाला है, उसमें मैं आपको बताऊंगा आप अपना झुकने की पोस्चर वापस से कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत लोगों का काम है जिनका बैठने का काम है, कई लोगों को बता दिया जाता है बिल्कुल भी झुकना नहीं है तो बिल्कुल बैक को स्टिफ और कर लेते हैं, और मसल्स और स्टिफ होने से वहां कंप्रेशन बढ़ता है, कंप्रेशन बढ़ने से वो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, सेकेंडरी प्रॉब्लम्स और आने लगती हैं, तो उससे कैसे बचा जाए। ऐसे फ्रेंड्स स्लिप डिस्क भी कई टाइप के होते हैं, कौन से डिस्क में आपको क्या डिसीजन लेना है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, कभी आप डिस्क बल्ज का नाम सुना है आपने, हर्नियेटेड डिस्क, डिस्क प्रोट्यूजन एंड सिक्वेस्ट्रम और एन्युलर टीयर, स्टेनोसिस, नार्व कंप्रेशन, तो आपको किस में कौन सा डिसीजन लेना है ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जब तक देखते रहिए वीडियो, और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया को फिट रखना है ये मैंने सोचा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, उसके साथ साथ शेयर जरूर करना है, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो ही और लोगों के पास पहुंचेगा और वो सही समय पे सही डिसीजन ले पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।